मृत दुधारू पशुओं के 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ रुपए का सीधा हस्तांतरण करने की कृपा करें और आप सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण के। और ये देखिए शुरुआत हो चुकी है, अजमेर में 2,199 व्यक्तियों के खातों में 9,42,00,000। अजमेर 2,199 लाभार्थी। अलवर 1,482 खातों में सीधे 6,10,00,000 रुपए का हस्तांतरण। 1,482 लाभार्थी। बांसवाड़ा में 607 लाभार्थियों के खाते में 2,53,00,000 और 607 लाभार्थी। बाड़मेर में 2,219 लाभार्थियों के खाते में सीधे 9,10,00,000 रुपए और 2,219 लाभार्थी। और अब बारी है भरतपुर की, 1,034 लाभार्थी, 4,21,00,000। भीलवाड़ा 1,517 के खाते में सीधे 6,58,00,000 रुपए। और अब बीकानेर 1,668 व्यक्ति और 7,33,00,000। बूंदी 227 लाभार्थी। चित्तौड़गढ़ के 631 लाभार्थियों के खाते में सीधे 2,64,00,000। चूरू 1,601 लाभार्थी, 6,80,00,000। और ये चल रहा है दौसा, 912 लोग, 3,76,00,000। और ये है धौलपुर, 139 लाभार्थी, 56,80,000। डूंगरपुर 608 लाभार्थी, 2,57,00,000। 608 लाभार्थी। और अब बारी हनुमानगढ़ की, 1,510 लाभार्थी, 6,07,20,000 की राशि। और अब राजधानी जयपुर 2,805 लाभार्थी, 11,74,00,000। जैसलमेर 507 लाभार्थी, 2,25,60,000। जालौर 2,733 लाभार्थी और 10,93,00,000। और अब झालावाड़ 29 बेनिफिशरीज है यहाँ, 11,60,00,000 की राशि। झुंझुनू 1,449, 5,94,00,000। जोधपुर 2,192 लाभार्थी और 10,04,00,000 रुपए। करौली 301 लाभार्थी, 1,22,80,000 की राशि। कोटा 29 लाभार्थी, 12,00,000 रुपए। कुचामन सिटी 1,682 लाभार्थी, 7,12,80,000। नागौर 3,390 लाभार्थी, 13,58,00,000 रुपए। और अपाली 884 लभार्थी, 3,31,20,000। प्रतापगढ़ 533 लभार्थी, 2,20,00,000 रुपए। और अब बात करें राजसमंद की, 920 लभार्थी, 3,85,60,000 रुपए। सीकर 2,717 लभार्थी और 11,09,00,000।